कभी सोचा है दोस्तों, बचे हुए चीजों से आप इतना खूबसूरत सा मिनी केक बना सकते हैं। तो चलिए इस मिनी केक को बनाते हैं। यहाँ पे मैंने व्हाइट कंपाउंड लिया है, ना ही 2M ना ही मॉडे अभी मेरे शहर में अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे आज इस चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ। इस व्हाइट कंपाउंड का भी रिजल्ट अच्छा ही था, तो यहाँ पे मैं इसे कट कर ले रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। इसे मेल्ट कर लेना है 30 सेकेंड के लिए। इसे मैं माइक्रोवेव में मेल्ट करूँगी और फिर से मिक्स करने के बाद मैं इसे 10 सेकेंड के लिए और मेल्ट करूँगी। और यहाँ पे हमारा चॉकलेट आप देख सकते हैं 30 सेकेंड के बाद ये रिजल्ट है। 30 सेकेंड के बाद मैंने यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए और मेल्ट किया और अब ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अभी पूरी तरीके से मैंने इसे मिक्स नहीं किया है, इसमें मैं ऑयल बेस्ड कलर मिक्स कर रही हूँ पर्पल कलर का, लेकिन मुझे ये कलर नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसमें पिंकिश टोन चाहिए, तो इसलिए मैं ऑयल बेस्ट पिंक कलर मिक्स कर रही हूँ। तो चॉकलेट के लिए हमेशा हमें पाउडर कलर या फिर ऑयल बेस्ड कलर यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मेरा मनचाहा शेड आ चुका है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इस मोल्ड का यूज करूँगी जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। इसके अंदर बहुत खूबसूरत सा फ्लावर का शेप बना हुआ है और ये कितना सॉफ्ट है आप देख सकते हैं। इस तरीके के मोल्ड को मैं यूज करने वाली हूँ। इसमें सारा मैं चॉकलेट डाल दूँगी। करीब मैंने 100 ग्राम से कम ही चॉकलेट लिया था, 75 ग्राम होगा चॉकलेट, उसी को अच्छी तरीके से मेल्ट किया था। और इसमें डालने के बाद पूरी तरीके से गैप को मैं भर लूँगी। इसको टैप भी अच्छी तरीके से करना है ताकि इसमें कोई भी बबल नहीं दिखाई दे। और उसी के साथ साथ मैं चॉकलेट को एक लेयर लगाने के बाद उसी में इस तरीके से घुमा रही हूँ ताकि चॉकलेट का अच्छी तरीके से लेयर इसके ऊपर लग जाए। और इस तरीके से मैंने इसे उलट कर रख दिया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो इसके नीचे गिर जाए। और यहाँ पे मैंने रसमलाई केक बनाया था तो थोड़ा सा मेरे पास बचा हुआ था तो मैंने इसका एक लेयर लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पे चेरी की फिलिंग डाल दी है और ये रहा मेरा ऊपर का जो लेयर कट करके हम लोग निकाल कर फेंक देते हैं या हटा देते हैं, उसी को मैंने हार्ट शेप में कट किया। इसको फिर से कवर कर दिया चॉकलेट से और इसे 1 से 1.5 घंटे तक फ्रिज में छोड़ देंगे ताकि ये इस तरीके से अच्छी तरीके से निकल जाए, क्योंकि थोड़ा सा चॉकलेट का ऊपर लेयर मोटा था तो अच्छी तरीके से सेट होने के बाद इस तरीके से फ्लावर का शेप आपका निकलेगा। और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये केक बनकर तैयार हो गया। चॉकलेट जिनको अच्छा लगता है, जो चॉकलेट लवर हैं, तो उनके लिए ये केक बहुत ही अच्छा है और टेस्टी बनेगा। आप इसे गिफ्ट हैम्पर में भी यूज कर सकते हैं। आप इसे जो चॉकलेट का केक आप बनाकर देखते हैं देते हैं तो उसके ऊपर आप टॉपर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए, इसकी खूबसूरती को तो आपने देख ही लिया, तो चलिए इसको कट करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितना फ्लावर का अच्छा शेप आया है, आप खुद ही देखिए। और इसे कट करने के बाद ये रहा रिजल्ट, तो ये अंदर से कुछ देखने में इस तरीके का लगेगा। तो आप इसको कब बनाने वाले हैं कमेंट करके बताइएगा।